इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंड्यूस का मतलब जो पैदा हुआ, हमने ये ईएम वेव्स के अंदर डिस्कस किया कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। और हमने ईएम वेव में देखा भी, अगर कैपेसिटर की प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया आपने तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर पैदा हो गया। इस चैप्टर में क्या टॉपिक था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, और मान लो कंडक्टिंग रिंग है, ये एक कंडक्टर है, तो इस रीजन में इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा इस कंडक्टर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपने बी को चेंज किया तो स्पेस में ई तो अपने आप पैदा होगा ही होगा। तो मान लो एक मिनट के लिए आपने बी को बढ़ाना शुरू कर दिया, इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस कंडक्टर के अंदर, क्योंकि बी बोर्ड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो आपका बी कैसे होगा बाहर, तो करंट कैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, और करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो रहा है। और अगर मैं कहीं बी को यहाँ पे घटाना शुरू कर दूँ, डिक्रीज, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब क्लॉकवाइज हो जाएगी इंस्टेड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। इस पैदा हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और इसमें जो करंट होता है इस कंडक्टर के अंदर, ईएमएफ रेजिस्टेंस है। देयर इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर कॉज बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैंने बता दिया। इसके कुछ रूल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह। पहला रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नॉन कंजर्वेटिव है, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, कंजर्वेटिव था। कंजर्वेटिव का मतलब, अगर आप वर्क डन करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में एक चार्ज को, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन इसके अंदर पाथ पे डिपेंड करेगा, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड ही नहीं करेगा। आप किस रास्ते से लेके आए हैं वर्क डन, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये नॉन कंजर्वेटिव है। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, ई डॉट डी एल, इलेक्ट्रोस्टैट्स में ई डॉट डी एल क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई एम एफ हो जाती है, और ई एम एफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज, जैसे कि ई एम एफ पैदा होगी और वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये फॉर्मूला इसमें वैलिड है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड इज टेंजेंट टू एवरी पॉइंट टेकन ऑन द सर्कुलर पाथ, बता दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट होगी। तीसरा पॉइंट है, बीइंग नॉन कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल हैज नो मीनिंग फॉर सच फील्ड, मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें, क्योंकि कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं जो ई वी जनरेट कर रहा है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस पाथ पे डिपेंडेंट है, तो पोटेंशियल नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर भी आ सकता है। नेक्स्ट है, दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टैटिक चार्जेस, बता दिया उसने ये वो फील्ड नहीं है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट के साथ डायरेक्शन मैच करती है, वो मैंने आपको बता दिया। इसको यूज कैसे करना है वो आपको बताता हूँ, इसकी एप्लीकेशन कैसे है, एप्लीकेशन देखते हैं।